नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल फैकल्टी नेट सेट मैथ्स लेक्चरर। दोस्तों आज का ये वीडियो हम लेकर के आए हैं, एक स्पेशल वीडियो है। आज की वीडियो में हम राजस्थान में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज मतलब टेक्निकल एजुकेशन में एक नई भर्ती निकली है, टेक्निकल एजुकेशन में, इसका मतलब जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उसमें लेक्चरर्स की भर्ती की वैकेंसी आई है। लेटेस्ट विज्ञापन है जो कल रात को जारी किया गया है। दोस्तों इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आपको लेक्चरर बनने के लिए कोई नेट की आवश्यकता नहीं, कोई सेट की आवश्यकता नहीं, कोई पीएचडी की आवश्यकता नहीं, कोई एमफिल की आवश्यकता नहीं। मतलब कि जो साधारणतः समझा जाता है कि भाई कॉलेजों के अंदर लेक्चरर बनने के लिए आपको एटलीस्ट ये चार में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, यहां पर आपको आरपीएससी टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज लेक्चरर के लिए इन चारों में से किसी भी योग्यता की कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप किस प्रकार से फिर लेक्चरर बन सकते हैं। केवल इसके लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी पीजी है तो पीजी में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम नहीं। दोस्तों ये इस वैकेंसी की न्यूनतम योग्यता है कि आपको पीजी के अंदर जिस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसके लिए आपके पास में 60% मतलब कम से कम फर्स्ट क्लास की आपके पास मार्कशीट होने चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, कोई अनुभव नहीं, नो नीड ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके अंदर स्टूडेंट अभी फ्रेश एमएससी हुए हैं, बीटेक हुए हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से। और एक दूसरी बात क्या है कि जो वैकेंसी आई है उसमें आपको कब तक आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, तो इसके दो चरण हैं। पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बारे में विस्तृत से बताऊंगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों जो इंटरव्यू की डेट तक आपके पास में पीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब अभी काफी समय लगेगा। तो जो स्टूडेंट अभी पीजी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक मौका है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। दोस्तों ये अपने आपका पहला एग्जाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर बनने के लिए आपको या तो सेट नेट होना चाहिए या उस राज्य विशेष का सेट होना चाहिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, विद्या वाचस्पति की उपाधि, या आपके पास एमफिल होना चाहिए। दोस्तों इस विज्ञप्ति के लिए आपको इनमें से चारों से किसी की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपकी पीजी में 60% होना चाहिए और नो नीड ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, कोई आपके पास अनुभव की भी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों तो ये बेरोजगारों के लिए जो केवल पीजी है और एमएससी में या बीटेक में जिनकी 60% है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम आगे की कड़ी में आते हैं, तो बहुत ही शानदार है इसके लिए मौका आपके पास में। इसकी सीट्स कितनी है दोस्तों, इसमें आपके बीटेक और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में वैकेंसी आई है। मैं केवल मैथ्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैथ्स में चार सीट्स हैं, चारों सीट्स इसमें अनारक्षित हैं, मतलब किसी भी वर्ग विशेष के लिए रिजर्व नहीं है, चारों सीट अनारक्षित हैं। 3 गुना चुना जाएगा इसमें से, 3 गुना लोग चुना जाएगा और उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो इस भर्ती के साथ दोस्तों दो पहलू हैं, पहला आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपका इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। 4 सीटें तो कम से कम एटलीस्ट 12 से 15 स्टूडेंट्स को इसमें चुना जाएगा, उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। देखिए इसके सिलेबस के बारे में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सिलेबस की जो स्कीम है दोस्तों उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। स्कीम क्या रहेगी इसकी एग्जाम पैटर्न की, 3 पेपर होंगे, 3 पेपर, फर्स्ट व सेकेंड पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, फर्स्ट और सेकेंड पेपर मैथ्स के होंगे। जो स्टूडेंट मैथ्स की बात कर रहे हैं मैथ्स के पेपर होंगे, सब्जेक्ट कंसर्न 75+75 मार्क्स के होंगे दोस्तों, ये दोनों ही पेपर। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड पेपर होगा दोस्तों वो आपके 50 मार्क्स का होगा, एंड दैट विल बी कंसिस्ट राजस्थान जीके मेनली। दोस्तों ये आरटीसी की तरफ से भर्ती आई है,
तो राजस्थान जीके ऊपर फोकस रहेगा। ठीक है, देखिए स्कीम क्या है, फर्स्ट और सेकंड पेपर एज इट इज स्कीम वही है एग्जामिनेशन की जो आपके डिग्री कॉलेजों में लेक्चरर की है, जो थोड़े दिन पहले वैकेंसी आई थी। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोस्तों मैथ्स का होगा, 75+75 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। थर्ड पेपर 50 मार्क्स का होगा दोस्तों। अब मैं आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, 75 और 75 मार्क्स टोटल 150+150 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। 150 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर के, 150 क्वेश्चंस सेकंड पेपर के, और उनके मार्क्स जो होंगे वो 75 और 75 होंगे। थर्ड पेपर में 50 मार्क्स है दोस्तों, इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसकी 3 गुना मेरिट निकाल करके और लास्ट में आपके ये जो टोटल आपका रिटर्न का जो है दोस्तों वो आपके 200 मार्क्स का होगा रिटर्न। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर तीनों मिला करके दोस्तों आपके पास में जो रिटर्न आएगा वो आपके 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके 24 मार्क्स का इंटरव्यू है। जी हाँ दोस्तों, साक्षात्कार के जो मार्क्स हैं वो काफी घटा दिए गए हैं पहले की तुलना में। साक्षात्कार मात्र केवल 24 अंकों का होगा। कहने का मतलब कि आपका जो रिटर्न का वेटेज दोस्तों वो 87+% का होगा, रिटर्न का वेटेज। ठीक है, रिटर्न वेटेज है और जो 87.5 समथिंग, और जो इंटरव्यू दोस्तों वो केवल 12.5 समथिंग परसेंटेज का होगा। तो आपके पास तो अच्छा स्कोप है, अगर आपकी सब्जेक्ट अच्छी पकड़ है तो आप रिटर्न में भी काफी सारे मार्क्स गेन करके और इंटरव्यू से आप फ्री भी हो सकते हैं। इसमें अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तब भी आप स्कोर करके और मेरिट में जगह बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता ये कि नेट, सेट, एमपी, पीएचडी चारों डिग्रियों में से किसी की कतई आवश्यकता नहीं, इवन बीएड भी नहीं चाहिए हमको जो स्कूल लेक्चर की, क्योंकि ये दोस्तों पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर मतलब टेक्निकल एजुकेशन लेक्चर की भर्ती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी वेतनमान को लेकर। दोस्तों ये आपका वेतनमान जो है इसका वेतनमान लेवल 14 में है, 15600 से 39102 पुराने वाला था हमारे पास में दोस्तों, और 5400 ग्रेड पे वाला है। मतलब 2 साल का परीक्षा काल खत्म होने के बाद दोस्तों आपकी 56100 से आपकी बेसिक शुरू होगी। बेसिक 2 साल बाद, 2 साल तक तो आपको पता है कि राजस्थान में किसी भी नई भर्ती में फिक्स वेतन मिलता है। 2 साल बाद आपका बेसिक दोस्तों लगभग 56100 हो जाएगा। अच्छा खासा वेतनमान है, जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली लगे हैं MSc क्रॉस करके, जिनका अभी MSc पूरा भी नहीं हुआ फाइनल दोस्तों, वो उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो सेम लगभग वैसा ही आएगा। अगर आया नहीं लेकिन मेरा पूरा अनुमान है जो स्कीम सेम है तो दोस्तों सिलेबस भी वही आएगा जो आपके डिग्री कॉलेज लेक्चर का है। इसलिए दोस्तों तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोज देखते रहिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।